हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग देखिए हमने इससे पहली वाली वीडियो में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आखिर कैसे ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे हो क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और बॉडी से इसका बाहर निकलना बहुत ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाती है टिश्यूज़ में उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन डाउन से तो सी ओ टू का निकलना बहुत ज़रूरी है याद रखिएगा क्योंकि सी ओ टू अगर बाहर नहीं जाएगी तो इट इज़ वेरी क्योंकि एक तरीके का ये वेस्ट है याद रखिएगा है ना क्योंकि ये ब्रेक से ग्लूकोज़ के ब्रेकडाउन से बनाया तो सी ओ टू इज़ कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बा अमीनो हीमोगलोबिन है ना ये सी ओ टू जो है हीमोग्लोबिन ले जाइए किस फॉर्म में कार्बा अमीनो हीमोगलोबिन कितना परसेंट ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव परसेंट और याद रखिएगा सेवेंटी परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है वो याद रखिएगा बाई आयन की फॉर्म में होती है याद रखिएगा और बाकी बची हुई रेस्ट कितनी बची सेवेंटी और बाकी सेवन परसेंट जो भी रेस्ट बचेगी वो ट्रांसपोर्ट होगी प्लाज्मा के थ्रू तो मैक्सिमम सी ओ टू का ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन कर रहा है हीमोग्लोबिन कर रही है ठीक है सॉरी ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव परसेंट कार्बन एक आर बी सी ट्रांसपोर्ट करते हैं सेवेंटी परसेंट याद रखिएगा है ना देखते हैं दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पी ओ टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू विच कोड अफेक्ट द बाइंडिंग बाइंडिंग को ये दो पैरामीटर अफेक्ट uh, करते हैं वैन द पार्शियल प्रेसर ऑफ सी ओ टू इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एज इन द टिश्यूज आप देखते टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आकर वेयर एज वैन द पार्शियल प्रेर ऑफ सी ओ टू इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई इन द एल वालाईल एल में अगर ऐसा होगा तो डिसोशिएशन जो है किसका हो जाएगा सी ओ टू का वो हीमोग्लोबिन से अलग होने लगेगी सी ओ टू जो कि बाउंड है हीमोग्लोबिन से टिश्यू साइड में तो वो उससे अलग हो जाएगी है ना देखिए क्या हो रहा है सी ओ टू फ्रॉम द कार्बामीन और हीमोग्लोबिन टेक प्लेस सी ओ टू विच इज़ बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एलवाई उल्टा एलवाई के साइड में जाना है और वहाँ से बाहर निकलना लंग से अब आइए आर बी सी कितना ट्रांसपोर्ट करते हैं सेवेंटी तो आर बी सी कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम एक इंज़ाम आर के अंदर मौजूद होता है याद रखिएगा सी के अंदर एक एंजाम मौजूद होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वान्टिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा प्लाज्मा में भी ये है लेकिन बहुत कम है इसका जो क्वान्टिटी है वो आर बी सी के अंदर जाता है ये इंज़ाम क्या करजाम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन ये दोनों दिशा में ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा दोनों दिशा में ये रिएक्शन कराता कर है डायरेक्शन में क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है इक्वेरियम कंडीशन मेंटेन हो रही है इसमें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन हुआ तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने क्या किया हाइड्रोजन uh, कार्बोनेट बना दिया एच टू सी यू थ्री इसका रिवर्सिबल भी हो सकता है इसका ब्रेक डाउन भी कराएगा ये कार्बोनिकाइनड्रेड एनहाइड्रेज उसके बाद यही एच टू सी यू थ्री कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने क्या किया बाई कार्बोनेट आइन बना दिया एच सी यू थ्री माइनस और एच प्लस आइन इसमें ब्रेक कर दिया अब ये हो कहाँ रहा है एट द टिश्यू साइट अब आपको एक्सप्लेन करना कि आखिर समझना है ये हो कर रहा ऐट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर सी ओ टू इज़ हाई आप जानते हैं टिश्यू की तरफ क्या होता है पार्शियल प्रेशर किसका कम रहता है टिश्यू साइड में जो पार्शियल प्रेशर सी ओ टू का होता है वो तो हाई रहता है ड्यू टू द दैटाबोलिन ब्रेक डाउन हो रहा है इसी वजह से सी ओ टू का पार्शियल प्रेशर जो है टिश्यू साइड में ज़्यादा रहता है तो सी ओ टू कहाँ डिफ्यूज़ करेगी इन टू द ब्लड ब्लड में सी ओ टू डिफ़्यूज़ कर जाएगी खास करके आर और प्लाज्मा के अंदर और क्या बना देगी बाई आयन ठीक है एंड एस प्लस आयन और एट द एलवर साइड क्या होगा एलवलाई के अंदर तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर सी टू का कम रहता है तो द रिएक्शन इज़ प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सी टू एंड वाटर तो याद रखिएगा एलवलाई साइड में क्या होगा सी टू और वाटर ये अलग हो जाएंगे तो सी टू जो है एलवलाई में आएगी और बाहर निकल जाएगी लेकिन टिश्यू साइड में क्या होगा सी टू का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो आर के अंदर और ब्लड में एंटर कर जाएगी ब्लड से फिर उसे एलवलाई में आना है <coughs> दस सी टू ट्रैप सी टू इज़ ट्रैप एज बाई एट द टिश्यू लेवल टिश्यू लेवल में क्या होगी वो तो बाई आयन आइन के फॉर्म में अटैच जो है कह सकते हैं कंबाइंड हो चुकी है एंड अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगी देखिए बता रहे हैं एंड दस द सी ओ टू स्टेप इन दाई कार्बोनेट आइन एट द टिशू लेल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एलवलाई इज रिलीज आउट एट सी ओ टू तो जब यह एलवलाई साइड में जाएगी तो वहाँ सी ओ टू के फॉर्म में ये निकल जाएगी रिमूव हो जाएगी तो इस तरीके से सी ओ टू जो है टिश्यू से ब्लड में आती है ब्लड से कहाँ आ जाती है लंग्स में चली जाती है एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अबाउट फोर एम एल ऑफ सी ओ टू टू द एलविलाई एलवलाई में कितने चार एम एल सी ओ टू ट्रांसपोर्ट करता है ये इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा ये पाँच लीटर होता है दो सौ एम एल सी ओ टू ट्रांसपोर्ट होगी एलवलाई की साइड में याद रखिएगा और ऑक्सीजन कितनी होगी टू फिफ्टी वो हो जाएगी आपकी क्योंकि वो पाँच एम एल है तो पाँच एम एल है तो कितना हो जाएगा वो टू फिफ्टी एम एल ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मौजूद होती है तो दिस इज अ ट्रांसपोर्ट तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि एट द एलवर साइड पार्शियल प्रेशर सी ओ टू का कम है तो रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द सी ओ टू वाटर बन जाएंगे ये चीज़ कहाँ होगी ये प्रोसेस जिसकी अगर रिवर्स हो रही है तो ये एल्विलर साइड में होगी और ये प्रोसेस कहाँ होगी ये टिश्यू साइड में होगी टिश्यू में साइड में आ, जो सी ओ टू है वो बाई आयन की फॉर्म में कम्बाइंड होगी लेकिन क्या करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रे का इसका रिवर्स रिएक्शन भी कर देगा उसका रिवर्स कर देगा तो इससे सी ओ टू जो है ब्लड से ब्लड में आएगी ब्लड से एल्विलाई में आएगी और बाहर निकल जाएगी क्योंकि इसका एल्विलाई में प्रेशर ज़्यादा होता है पार्शल प्रेशर सी ओ टू का और एनवायरमेंट में कम होता है तो इस तरीके से सी ओ का ट्रांसपोर्ट होगा ठीक है समझ चुके होंगे आप कि है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप वॉचिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल